सो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का और फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। देखिए आज हम लोग क्या करना जो आज हम लोग क्लास 10th मैथ के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस भी इसको करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर करते हैं हम लोग अपना स्टार्ट। देखिए क्या आपका क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे आपका एलटीसीएस में दिया है अंडर रूट में 1 प्लस साइन है, बट्टा में 1 माइनस साइन है, इसे मैं सॉल्व करके लाना है, इससे के प्लस 10 के फॉर्म में लाना है। ओके, आई फिर आते हैं। देखिए पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलटीसीएस नोट करेंगे अपना, ये एलटीसीएस दिया रूट में 1 प्लस साइन है और बट्टा में 1 माइनस साइन है। ओके, अब इसको क्या करना हम लोग ना, इसमें देखिए हमें जो जो मान दिया है रूट में और यहाँ लाना है वो कैसे क्या है, रूट में नहीं है। ये कब बिना रूट का हो पाएगा, जब दोनों का स्क्वायर हम कर देंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको स्क्वायर में चेंज किया जाए। तो एक काम हम इसमें ये कर सकते हैं, देखिए क्या इसका अंडर रूट में हम ना 1 प्लस साइन ए को तो ऊपर का जैसे का तैसे नोट कर देंगे, नीचे का भी वैसे नोट कर देंगे अभी 1 माइनस साइन ए। ओके, अब इसमें हम क्या कर देंगे, सब पर में ही कर देंगे, जो यहाँ नीचे माइनस वाला चिन्ह था इसका प्लस वाला ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी 1 प्लस साइन है और बटा में भी 1 प्लस साइन है। ओके, अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, सब ऊपर और नीचे, ऊपर आपको दिख रहा है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन साइन है, डबल बार दो बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस पूरे को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो नीचे बचा ये क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सॉरी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी वाला फार्मूला है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये पूरा फार्मूला है, जिसमें ए की जगह पे क्या है 1, हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे साइन, हो जाएगा हम लोग का साइन का ए का स्क्वायर। ओके, इसको आगे हम सॉल्व कर देते हमारा हमारा अब आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर ऊपर ने अपना रूट के अंदर क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और बटन क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया और माइनस साइन ए का स्क्वायर किया तो हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अच्छा इसका रूट तोड़ेंगे जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, अब उनके यहाँ से क्या बनेगा, ये ऊपर ही बना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटन क्या हम लोग का, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसका फार्मूला था हम लोग का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग का होता है कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला, किसका कॉस स्क्वायर ए का। अब देखिए यहाँ सब क्या हम लोग इसको कर देंगे, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन है तो बनेगा 1 प्लस साइन है, इसका स्क्वायर है तो निकल गया बना बाहर 1 प्लस साइन है। और यहाँ पे क्या अंडर रूट में एक्स कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए है, ये भी जब बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉस ए केवल स्क्वायर, इसका भी खत्म, यानी केवल कॉस है। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या कर देंगे, अब यहाँ से जो कोसे है ना इसको कर देंगे एक बार एक के बटे में अलग, एक बार साइन के बटे में, इसको क्या करेंगे कोसे को सेपरेट कर देंगे अलग अलग, एक बार एक के बटे में कोसे और एक बार प्लस है तो प्लस का चीज, फिर एक बार साइन के बटे में कोस को साइन ए। ओके, और इसके बटे में क्या चल रहा है कोस ए। अब देखिए आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ से क्या, कि एक बटा कोसे लोग का होता है, एक बटा कोसे लोग होता है सेक ए, इसको हम कर सकते हैं इससे के अब प्लस, और साइन बटा कॉस का आता है हम लोग का वो होता है टेन ए। ओके, तो आपको जो लाना था हमें आर एच एस आ गया आप लोग का, जैसे दिखा रहे हैं क्या एल एच एस बराबर आर एच एस। ओके, भाइयों आशा करते हैं कि आप सबको कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ओके, तो मिलते हैं ऐसे एक नक्स एक अच्छे फिर एक नए क्वेश्चन के साथ नए एक वीडियो में। ओके, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तब तक के लिए जय हिंद।